ओर। आर्थिक तंगी के चलते दंपति ने अपने परिवार, पत्नी, बच्चों सहित नशीला पदार्थ देकर जान से मारने का किया प्रयास। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के ईलर गांव में आज उस समय लोगों में हड़कंप मच गया था जब एक दंपति ने अपनी पत्नी सहित मासूम बच्चे को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर जान से मारने का किया प्रयास। मासूम बच्चों की बिगड़ती हालत और चीख पुकार सुनकर देखकर पड़ोसियों ने एम्बुलेंस की मदद से पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए मुरादाबाद के जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा परिवार को अच्छा उपचार दिया और हालत सही होने पर परिवार घर वापस लौटा। आरोपी दंपति की पत्नी शकुंतला देवी ने बताया कि मैं खाना तैयार करके किसी काम से घर के बाहर गई थी। कुछ देर के बाद बच्चों को खाना दिया। खाना खाने के बाद मेरे देवराज बच्चे ने बताया कि हमारे पिता ने सब्जी में कुछ मिलाया है। खाना खाने के कुछ देर बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और हम बेहोश हो गए। हमें इसकी जानकारी आँख खुली तो अस्पताल में हमने खुद को जिला अस्पताल में पाया। वही शकुंतला ने आगे बताया कि मेरा पति शराब पीकर आए दिन मारपीट पर आमादा रहता है, जिसमें आज पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया है। वही पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है, सत्य जांच पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। कल रात्रि ईलर गांव थाना डिलारी में चौकीदार जो ईलर के हैं, उन्होंने ये सूचना दी कि गांव के ही एक आदमी जिनका नाम अर्जुन पुत्र बलवीर है, ये और इनका पूरा परिवार अपने घर में नशे के हालत में बेसुध अवस्था में हैं। तो इसकी जब सूचना दी गई तो 108 एम्बुलेंस कॉल की गई और हम पुलिस द्वारा ही इनको जिला अस्पताल मुरादाबाद भर्ती कराया गया। आज बाद उपचार ये सभी लोग स्वस्थ हैं और अस्पताल से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मामले की जब जांच की गई तो यह पाया गया कि जो पति है अर्जुन, उसने कुछ नशीली दवाइयाँ मार्केट से परचेज की और खाने में पूरे परिवार सहित परिवार और बच्चों को उस खाने में मिलाकर वो दवाइयाँ खिलाई, जिससे सभी परिवार जो है नशे की इनेब्रिएटेड स्टेट में पहुंच गया। और आज जब चौकीदार के द्वारा तहरीर दी गई तो हमने जो पति है अर्जुन उसको गिरफ्तार किया है और 328 का मुकदमा उन पे कायम किया है उनकी तहरीर के अनुसार, और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, कौन सा गांव है? ईलर है। ईलर। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ कल? आपके बच्चों ने क्या घटना घटी? मैं तो बच्चों की दवा लेने चली गई, आखिर देखूँ तो उसमें नशा डाल दिया, आखिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, वो बच्चे बेहोश हो गए। अच्छा, क्या चीज डाली थी खाने सब्जी में? खाने में वही नशे की चीज डाल रही, क्या पता कहाँ से लाए। तो खाना खाने के बाद मतलब कहने के किन किन बच्चे की तबीयत खराब बिगड़ी आपको, कैसा महसूस हुआ था? कह रहे बीमार हो गए, जो सो रहा था वो सोता ही रह गया, जो खेल गया वो लुढ़कता फिर गया सब में। किन किन बच्चे को दिया गया खाना? खाना पांच बच्चे हैं घर में, चार तो बच्चे ही हैं, पांच भी मैं हूँ, तो हमने खा लिया, उन्होंने तो ना खाया। अच्छा, आपने भी खाया था? और मैंने भी खा लिया, खाना तो पता ही ना है। जहरीली चीज थी या कुछ जहरीली चीज ही कैसी चीज, दे टूट रही और अब भी कहाँ है ना दिमाग ठिकाने पे। तो फिर इलाज के लिए कहाँ गए थे आप? वहीं गए, पहला तो डिलारी गए, डिलारी सर हम मुरादाबाद पहुँचे। डॉक्टर साहब ने कल लही चाहिए, जब उल्टी आई लोडिया तो क्या नशी की दवा है जो नशा सुहाना वाली। अच्छा, ऐसा क्यों किया आपके पति ने? क्या सोचा उन्होंने अपने मन में, ऐसा क्यों करा? कोई नशा वशा करते हैं आपके पति? नशा तो कर रही है, नशा तो इतनी कर रहे हैं, अभी इतने ढेरों सारे क्वार्टर दिखा दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा। अभी दिखाई है मैंने बालकों की ना वो रोकू। आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ मेरे थोड़ा सा रह ना वो। हाँ, कहा लो मैं अपनी तन बुखरवाऊंगी इससे बेकार। मैं बता ना रही हूँ, घर से लिखा था हमें आम है, तीन तीन चार चार दिन में मियाँ तो कोई पाई कोड़ी लगा देते ना, वो पता नहीं क्या करें क्या ना करते हैं, मियाँ नहीं पता इस बात के। अच्छा,